फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा देखिए सुबह का रूटीन है। 5:20 हो रहे हैं, 5:20 अभी नहीं हो रहे, 5 बजने को आया। तो हमने मेन डोर धो दिया। मेन डोर धोने से, सुबह उठने से, साफ़ सुथरा करने से ही होता है। और सबसे पहले तो मैं मेन डोर धोती हूँ कि सुबह सुबह हवा तो ताज़ी आती आती है, माँ लक्ष्मी का भी घर में निवास होता है। और जो भी निगेटिव चीज़ होते हैं वो बाहर जाते। तो सुबह सुबह इतना हमारा रूटीन का काम है। सुबह सुबह ये अपने जीवन में उतार लीजिए। ऐसे रोजाना करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि घर में संस बरकत मिलते हैं। तो बस हमारा सुबह का काम है, ये झाड़ू पोछा। बीच बीच में बच्चे पार्टी को उठाना तो सबसे भारी का, ये झाड़ू पोछा सबसे भारी काम तो हमारा, उन लोग को बीच बीच में उठाना हो जाता है। तो उन लोग बीच बीच में उठाती भी रहती हूँ, और जैसे जैसे टाइम पास आता है और कस के हमारा चिल्लाना शुरू हो जाता है। सुबह सुबह इन लोग काम के साथ साथ हम भुगाना शुरू कर देते हैं। बस उन लोग को उठाते हैं तो हमारा झाड़ू पोछा हो जाता है। तो और टिफिन में ज़्यादा झंझट नहीं, बस चिप्स बिस्कुट जो ठेकुआ बनाए थे वो दे दिए थे। तो आज का उन लोग का लंच वही ही दी है, उसके बाद खाने में लग जाती हूँ। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल तो बच्चे पट्टे में नहा के सब लोग स्कूल कब के गए, कपड़े धोने हैं, पानी आ गया सप्लाई वाला। तो आधा काम हमने रात ही को कर लिया था। रात को हमने बाल धो के नहा लिया था, जो भी कपड़े देखे कल पे हैं। 11 बजे बाल धो दी थी, ये देखिए। तो यहीं पर नहा के कपड़े भी धो के हमने रात ही को रख दिया। और पोछा इस आंगन उंगन में तो रात को लगा लिया था, फिर सुबह में लगा ली। आधा काम हमारा रात का हो गया था। बाल धो के नहा ही लिए थे क्योंकि पूजा जगह मैंने बनाए थे चिकन उकन, तो इसलिए। तो अब चलते हैं, बीच चादर उधर धो लेते, थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो चलिए, बातें ना देर करते हुए, क्योंकि बातें करेंगे तो काम वेस्ट हो जाएगा। और हमारी चिड़िया रानी के बच्चे उतर गए, देखिए कितना छोटा सा। देखिए मैं आपको पास करके दिखाती हूँ, वो देखिए, देखिए कितना छोटा सा है। उसको उधर मैं जा नहीं रही हूँ डर के मारे कि कहीं ना वो उड़ जाए। और इतनी छोटी है ना, यदि वो बाहर चल जाए तो बाज उड़ते रहते हैं ना, इसको खा जाते। 2-3 चिड़ैया बच्चा ऐसे ऊपर गई उड़ के, बाज खा गया। तो चलिए फिलहाल उसको भी रहने देते वहीं पर, और हम चलते हैं कपड़ा धोने के, फटाफट धो लेते हैं। और आज शनिवार तो आज खिचड़ी बनेगी, बच्चे पटे आएंगे स्कूल से। तो चलिए, जो काम है स्टैंड में मोबाइल को लगा दो, क्योंकि हाथों से पकड़ के ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए लेट्स गो। तो फ्रेंड, खाना पीना, खाना जस्ट अभी आज शनिवार है तो खिचड़ी बनी है और बोरो आलू की सब्जी। रात को थोड़ा सा बनाए थे हम, क्योंकि भुजिया थोड़ा सा था और इसलिए एक आलू काट के, उबला हुआ आलू था और 2-3 बरबट्टी थे, वही डाल के सब्जी बनाई थी। तो थोड़ा सा सब्जी बचा है। तो निखिल खिचड़ी नहीं खाना तो पसंद नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा उसको देंगे खाने के लिए। तो जब तक रोटी, उसके 4-5 रोटी बना दी, एक रोटी हम भी खा लेंगे, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। आज शनिवार है, खिचड़ी खाना चाहिए सब लोगों को। खिचड़ी कहते हैं सब लोग ना, कि जो भी गर्व गुस्सा होता है वो कटता है, इसलिए खिचड़ी खाना चाहिए। तो पापड़ चोखा भरता जो बोलते हैं ना आलू का, हम लोग चोखा बोलते हैं। और आम की चटनी भी जस्ट पीस के सिलवट्टे पे आई, और रोटी बना के हाथ धो के बैठी। बच्चा पार्टी आ जाए तो सबको साथ में खाना खाएंगे। सुबह का सारा काम हो गया, आधा काम हमने रात को कर लिया था। अब चिकन बना था, सारा धो पोछ
गैस तो मैं चिकन बनाया, उसके एक घंटे बाद अच्छे से धो धा के रख दिया, जहाँ बनाए थे पूरा धो दिया, सरफ डाल के झाड़ू मार के धो दिया। और उसके बाद रात को ये घर में रख दिया था बिल्ली के चलते चिकन, तो सब लोग दोनों भाई खाएं। फिर रात को घर में पोछा लगा दी, आंगन पोछा लगा दी, बर्तन बर्तन जो भी चिकन बनाई थी उसको गर्म पानी से अच्छे से डाल के खौला के ऐसे दो तीन बार मांझ के, मांझने वाला उसका अलग रखी हूँ कटोरी में, तो मांझ के फिर गर्म पानी डाल के एक दो घंटा के लिए छोड़ दी थी कि जो भी उसका स्मेल रहेगा निकल जाएगा। उसके बाद फिर मांझ के उसको रख दी, मतलब सारा काम मैंने शनिवार के लिए नहीं छोड़ा था, जैसे कि चिकन वगैरह का कि आज शनिवार था तो शनिवार को जल्दी बाल नहीं धोती हूँ, लेकिन हाँ जो फेस्टिवल होता है तो धुलने में दोष नहीं लिया जाता, लेकिन ऐसे फेस्टिवल जब ना हो तो नहीं धोना चाहिए। तो खैर बाल तो हम रात ही को धो लिए थे, बस सर पर से दो मग नहा लिए थे, उसके बाद पूजा हो गई, अब चलते बच्चे पार्टी आ जाए तो खाना पीना हो जाए। सो फ्रेंड, तो अब चलते हैं, राजमा चावल जीरा राइस बनेगा और राजमा बनेगी। तो राजमा का तैयारी, हमने राजमा रात भर सोख करने के लिए धर दिया था, वो फूल गया था, मैंने उसको उबाल के भी रख दिया, तो बस जीरा इसमें तेज़पत्ता और गरम मसाला खड़ा नहीं डालूँ क्योंकि मुँह में आता है तो थोड़ा अजीब लगता, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से राजमा हमारा उबाल हमने दे दिया था, अब चलते हैं जल्दी जल्दी बनाने। तो इसमें जीरा तेज़पत्ता यही सब डालूँगी तड़के के लिए। उसे तो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि मैं इसे फ़ोन से जो वीडियो शूट करते, तो ननद मतलब ननद जो है और दीदी का फ़ोन आ गया था वही बात। तो इसमें हमने डाला है वही लहसुन अदरक का पेस्ट, गुलकी, जीरा, सब मसालों जो पत्ता वही डाली हूँ। अब जो राजमा हमारा है और ये मसाल के रखी हूँ ये डालूँगी, साथ में जो राजमा उबाल के रखते हैं इसको हमने जब फूलने के लिए डाला था तो धो के भी डाला था, और जब उबालने के लिए भी डाली तो दो तीन पानी से धो के डाली थी। तो मसाला काफ़ी देर से हम अच्छे से भून लिए, फ़ोन पर दीदी का फ़ोन आ गया उनका, तो क्या कर सकती हूँ इसलिए आप नहीं दिखाएं। तो ये देखिए तो भुना हुआ सब कुछ है, ये पका, बस पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये खुशी जीरा राइस बना रही है, तो ये हम वीडियो नहीं बनाए थे, मैं बीच में बर्तन अपना धोने चले गई तो बच्चे पार्टी को बोल दी तो वीडियो शूट कर दो, तो भाई वो लोग कैमरा मोबाइल उठा के वीडियो बनाने लगे। तो बस जीरा गरम मसाला खड़ा डाली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उसमें का लौंग और चावल अच्छे से डाल के रिफाइंड डाली थी और अच्छे से भून रही थी वो, और उसके बाद बस पानी डालना है और दो चार हरी मिर्च काट के लंबा लंबा वो डाल देंगी, बस वही बना रही है चावल, जीरा राइस राजमा चावल। उस बीच में निखिल की कलाकारी देख लीजिए, वो जो आइसक्रीम वाले मटका लाए थे तो उसमें तेल डाल के वो चना फुला हुआ वो बना रहा था, तो मैं ले लाओ उसको भी ऐड कर देते हैं इसी में। तो आज का हमारा यही खाना राजमा चावल जीरा। लास्ट वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।
सो फ्रेंड्स, हमारे राजमा और जीरा राइस थाली तैयार है। तो साथ में सैलेड फुल थाली आ जाएगी। तो फ्रेंड हमारा खाना आ गया, सब लोग बैठ गए, इधर निचली बैठा है, इधर हम बैठे हैं। ये देखिए खुशी आ रही, खुशी हम एक में खाएंगे और एक साथ एक रोटी भी खाएंगे, क्योंकि जब तक रोटी नहीं खाते हैं। गुलकुंडी पीते हैं, हमारे पति देव जी गुलकुंडी पी रहे हैं, उनको पेट में जलन है, इसलिए तो वो गुलकुंडी पी रहे हैं। हम लोग खाना खाते हैं, चलिए बाद में आपसे। और आप भी टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना बना के राजमा चावल खाइए। किसको किसको पसंद है जरूर बताइएगा हमें। चल गया।